तीसरी नीड्स आप कब तक फुलफिल करोगे मुझे नहीं पता, पर मुझे शायद लगा कि अभी यह सुनहरा अवसर मिला है जब मैं वह चौथे उस पिरामिड के कोने तक पहुंच सकूं। जब अवीर्ति के यह स्वाध्याय भी संदेश यह देती है कि जो पाया है उसमें कुछ नहीं और सब कुछ छोड़ने के बाद ही खुशी है, तो प्रभु का यह संदेश तो वर्षों से, कालों से, कितने समय से है, ना जाने कौन से अरिहंत परमात्मा ने प्रथम बार यह संदेश दिया होगा और आज दिन तक वही व्यक्ति का धर्म चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आप थियोरीज में फ्लक्चुएशंस आते हैं, परमात्मा के व्यक्ति धर्म में कहा फ्लक्चुएशंस है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति धर्म ऐसा प्ररूपित किया गया है जहाँ पे प्रभु ने परमिशन दी हो कच्चा पानी छू सकते हो, या फिर मॉडर्न हो गया है जमाना तो चलो आप उठ बैठ सोफे पे कर सकते हो, वो एक रिक्वायरमेंट हो गई है कि आपको ऊपर ही बैठना चाहिए? ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने भी तीर्थंकर बने उन्होंने एक ही संदेश दिया और एक ही प्रकार की वीरती की प्ररोपना की, बिकॉज दैट वॉज दी बेस्ट। और जो दी बेस्ट होता है उसमें ऑल्ट्रेशन या एडिशन नहीं होते, इट्स ऑलवेज दी बेस्ट। जो बेटर होता है उसे बेस्ट होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जो बेस्ट है उसमें ऑलरेडी इतना कुछ भरा हुआ है कि उसे आगे और कुछ है ही नहीं। तो मुझे आज जो मिल रहा है वह दी बेस्ट है। मेरे जीवन में वैराग्य का बीज बोने का शुभ अवसर आया था। 5 अप्रैल 2010, बोरीवली चामली गली, संभवनाथ दादा का दरबार और वह उपाश्रय। पूज्य गुरु मैया ने वहां पर विराजित थे, उनको वंदन करने जाने का अवसर आया। उन्होंने कहा कि साधु भगत विराजित है उपाश्रय में, तो उनके प्रवचन चलेंगे, आपको रोज सुनने जाना है। मैंने बोला प्रवचन? क्राइस्ट के फाइनल ईयर तक कभी प्रवचन नाम की चीज से अपरिचित, कभी साधु साधु भगवंतों को मिलने जाना, मुझे नहीं पता होता था अपने संग में कौन से साधु साधु भगवंत का चौमासा चल रहा है। और उसमें सडनली कॉलेज पूरी होते ही 10 दिन के बाद अगर मुझे कहे प्रवचन अटेंड करना है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वडीलों के प्रति विनय के कारण प्रवचन में जाने का तो हुआ, पर कुछ ऐसी हालत थी गुरु वंदन होते ही बैठने के बाद आंखें झुकने लगी, सिर कुछ हिलने लगा और ऐसा लग रहा था सब कुछ ऊपर से बहा जा रहा है। पहली बात तो प्रवचन, और दूसरी चीज वो भी गुजराती में जो बैंगलोर में कभी सुनी हुई नहीं थी। और आचार्य भगवंतों के मुख से गुजराती थोड़ी हाई लेवल की होती है, वहाँ की सभा के लिए तो एकदम परफेक्ट है, पर बैंगलोर जैसे वासियों के लिए जिन्होंने गुजराती नहीं सुनी हुई होगी उनके लिए थोड़ा टफ होता है। तो नींद निकाल के आने के बाद मैंने भुआ माया साहब को बोला मैं नहीं जा रही हूँ कल से प्रवचन में वगैरह, इससे तो अच्छा है उपाश्रय में गादी बिछा के 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद ले लूंगी, पर प्रवचन में नहीं जा रही हूँ। उन्होंने कहा वहां पे जाके सो के आना, पर जाना है वो पक्का है। मैंने बोला शर्म आती है आपके बाजू में आगे जाके बैठते और ऐसे गुरु भगवान के सामने ऐसे ऐसे आके झुकती है तो एक संकोच होता है, तो कि कोई बात नहीं वो समझते हैं चलेगा। 2-3 दिन बीते, फिर उन्होंने बोला चलो एक काम करो आज दोपहर को मैं सबको वंदन करने जाना, और उनको बोला आपको हिंदी में कुछ समझाएंगे। मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊंगी, पहली बात तो कभी उपाश्रय गई हुई नहीं हूँ, और दूसरी बात साधु भगवंतों के पास तो और भी नहीं जाऊंगी, क्या फाइनल ईयर कंप्लीट हुई है आगे क्या करना चाहिए उसकी एडवाइस लेके आओ। थोड़ा करियर ओरिएंटेड एटीट्यूड था कि कुछ करना है आगे, कुछ पढ़ाई करनी है, तो मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं इतना बोल रहे हैं तो एक बार जाके आती हूँ, एडवाइस मिल जाएगी, एडवाइस लेने में तो कोई बुराई है नहीं।
जब मैं उन्हें वंदन करने गई, उपास्य मैंने मैं प्रवेश किया, मैंने पूछा, यह पूछिए गुरु भगवान कहाँ विराजित। एक टेबल था जहाँ पे 3-4 किताबें होगी, 1-2 पेन होगी, एक पानी का घड़ा था, पास में एक काचली पानी पीने के लिए और ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। पर वो प्रसन्न थे, प्रसन्न ऐसे कि उनको देख के ऐसे लग रहा था बिना स्नान के इतनी रौनक कैसे, बिना फेशियल के इतनी मस्ती कैसे, और बिना कुछ भी, बिना धन संपत्ति के इतने सुखी कैसे। यह एक चीज उनके सिर्फ मुख की प्रसन्नता कहीं छू गई थी, वाओ क्या प्रसन्न है, कुछ भी नहीं, इवन देन हैप्पी, हाउ इज दैट पॉसिबल। कहीं एक बार हुआ कि हे संभवनाथ दादा, एक दिन के लिए एटलीस्ट मुझे ऐसा प्रसन्न बनना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं खुश हूं, ऐसा बनना है। सहज गुरु भगवान से बात हुई, उन्होंने उनको मैंने पूछा कि बीबीएम कंप्लीट हुई है, मुझे सिविल सर्विस करनी है, आईएएस करना था, फॉर्म लाया हुआ था, जस्ट सबमिट करना बाकी था, पर मेरी इच्छा थी कि दिल्ली जाके आईएएस की स्टडीज करनी है, बैंगलोर में रह के नहीं करनी, जाऊँगी तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करूँगी। मैंने उनको पूछा आईएएस करने से बेनिफिट है कि और कोई थिंग, क्योंकि शासन के लिए प्रेम कहीं ना कहीं था, ऐसा था कि अगर ज्ञान में रुचि है तो शासन को उपयोग आए ऐसा कुछ करना है, मनी मेंटालिटी नहीं थी पर ऐसा कुछ था कि शासन को भी उपयोग में आना चाहिए। तब काफ़ी माहौल यहाँ पे ऐसा बना हुआ था, वो जीटो का और आईएएस सिविल सर्विस के लिए ऐसा वो जो माहौल था उसके थ्रू वो फीलिंग आ गई थी कि ना आईएएस करना है करके। तो गुरु भगवंत ने कहा आगे जाके या तो मीडिया स्टडीज या सिविल सर्विस, इन दो फील्ड्स में हमारे युवान या युवतियों की बहुत ज़रूरत होगी शासन की भागदौड़ को आगे बढ़ाने के लिए या उसे सही रूप में संचालित करने के लिए। तो मैंने कहा मीडिया स्टडीज अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें इजीली एंट्री नहीं मिलती, और जहाँ तक आईएएस का सवाल है वहाँ पे मेरी तैयारी थी पर घर पे कहीं ना कहीं इस प्रकार की हिचकिचाहट थी कि पहली बात तो लड़की है, इस सर्विस में पोस्टिंग होती रहती है, आप कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, एंड सेकेंड थिंग शिफ्ट भी हो जाओगे तो फैमिली कितनी बार आपके साथ शिफ्ट होगी, क्योंकि कोई घर पे तो रखेगा नहीं, शादी तो करवाएंगे ही, और ऐसी कोई फैमिली मिलना जो हर पोस्टिंग के साथ आपके साथ शिफ्ट हो ऐसा मुश्किल है। गुरु भगवान से प्रेरणा लेके सहज आना हुआ वापस रिटर्न टू बैंगलोर। घर पे आके अनुमति मांगी कि मुझे आईएएस करना है, परमिशन दो दिल्ली जाने की, तो मना हो गया कि नहीं जाने को तो नहीं होगा, अनुकूलता नहीं होगी, करने के बाद फ्यूचर में सुविधा वगैरह नहीं रह सकती। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो, आग्रह किसी चीज़ का नहीं होगा तो चलेगा। और यह इजीली लेट गो करने का कारण यह था, गुरु भगवान को मिल के जब आई ना तब एक इच्छा हुई थी कि अगर आईएएस नहीं हुआ तो मैं ट्राई करूंगी कि दीक्षा के भाव आ सकते हैं क्या, एक बार एटलीस्ट ट्राई करना है कि भाव बाय चांस आ गए तो ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन, और नहीं आए तो सेकंड ऑप्शन तो है ही है। तो एक बार कोशिश करनी थी कि बाय चांस दीक्षा के भाव आ जाए। मेरे हाथ में ऑल्टरनेट रेडी था, जब मुझे कहा नहीं आईएएस के लिए नहीं हो सकता तो आई स्टार्टेड माई नेक्स्ट स्टेप, ऑल्टरनेट को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। इस बीज को बोने के लिए जिसने पुरुषार्थ किया है, पूछिए मेरे गुरुदेव उदय वल्लभ विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने इस वैराग्य के बीज को इस हद तक बोया है कि आज मुझे आनंद होता है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे आज छोड़ने का गम नहीं, जो पाने जा रही है उसकी इतनी खुशी है, मुझे लगता है वाओ क्या परमात्मा मिले हैं,
वाओ क्या शासन मिला है, वाओ कल क्या वेश मिलने जा रहा है। और वह खुशी इतनी अद्भुत है जस्ट बिकॉज यह वीरति का बीज गुरुदेव ने इतना स्ट्रॉन्गली बोया था। उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि शिखा तू दीक्षा ले ले, शिखा यह कर। उनसे जब मिलने जाते थे तो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स करते थे कि इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है। कभी कभी वो रिडल्स देते थे और उन रिडल्स को सॉल्व करने का होता था। और ऐसी बातचीत में कब मन में बस गए पता नहीं चला, कब मन में उनके वेश का अहोभ भाव जाग गया पता नहीं चला, और कब वह वैराग्य का बीज बोकर वहां से निकल गए पता नहीं चला। आज गुरुदेव के कारण मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हुई हूँ। उन्होंने अगर वह बीज नहीं बोया होता तो शायद वृक्ष बनने की क्षमता तो पॉसिबल ही नहीं थी। गुरुदेव ने बीज बोया पर इस बीज को वृक्ष बनने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता थी। उस बीज को वृक्ष बनने के लिए पानी के संगम की आवश्यकता थी, उसे अनुकूल वातावरण की आवश्यकता थी। जब गुरुदेव को मिलके बैंगलोर आना हुआ तो संभवनाथ दादा से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे नहीं पता दीक्षा के भाव कैसे आते हैं, क्या करना चाहिए, पर मुझे दीक्षा लेनी है। फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, शादी तो नहीं ही करनी, अब दीक्षा कब लेंगे वो मुझे नहीं पता। उसी दरमियान ऐसा कह सकते हो परमात्मा की असीम कृपा कि संस्कार नीति श्री महासाब का छमासा वीरपुरम में था। कॉलेज पूरी हो चुकी थी, आगे पढ़ाई करनी नहीं थी, टाइम पास कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने उनके पास संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था। उनके शिष्य यशोनिधि महासाब जो उम्र में मुझसे भी छोटे हैं, पर उनका वैराग्य हो, उनका स्वाध्याय कराने की शैली हो और उन्होंने जो मेहनत की है मुझे पढ़ाने में बहुत अद्भुत। उनके पास जब संस्कृत का स्वाध्याय किया तब वो संयम के प्रति अहोभाव बढ़ता गया। यह बीच पर पानी का संगम का काम करने लगा। आगे जाकर जब इच्छा हुई कि नहीं एक बार गुरु भगवंत को मिलने जाना है, उनसे डिसाइड करना है क्या करना है आगे, पर ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं थी क्योंकि अगर मैं सहज घर पे जाके कहती कि मुझे भुआ माई साहब के पास रहने जाना है तो अनुमति नहीं मिलती। एक ही काम किया, संभवनाथ दादा के सामने बैठकर एक बात रोज बोलती थी, प्रभु मुझे दीक्षा के भाव दिलाओ, प्रभु मुझे शादी नहीं करनी, मुझे घर पे कोई रखेगा नहीं, एक ही ऑप्शन है दीक्षा के भाव दिलाओ। एंड डूइंग दिस आप मानोगे नहीं, एक साल दिन हो या रात, दोपहर हो या शाम, मैं प्रभु के सामने रोई हूँ, प्रभु मुझे भाव नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ, मुझे भाव दिलाओ, मुझे भाव दो, मुझे दीक्षा लेने के लिए एटलीस्ट 10% तो भाव चाहिए, अगर वो 10% भी नहीं होगा तो मैं बोलूँगी कैसे कि मुझे दीक्षा लेनी है, प्रभु मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे भाव दो, मुझे वो वैराग्य का अनुभव कराओ, मुझे वो संयम मार्ग पर चलना है जिस संयम मार्ग पर आप चले थे, मुझे वो वेश चाहिए जिस वेश में इतनी प्रसन्नता छुपी हुई है, मुझे वह पंथ चाहिए जहाँ कुछ भी नहीं फिर भी ऐसा लगता है सब कुछ है, सब हरा भरा है। और इस मार्ग पर जाने के लिए इट वॉज नॉट ईजी। रात को 1 बजे आँख खुलती थी ना तभी एक ही चीज़, हे संभवनाथ दादा प्लीज मुझे दीक्षा लेनी है, कुछ तो करो, थोड़े तो भाव दिलाओ, आप 10% भाव दे दो, 90% गुरु भगवंत कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, पर 10% तो भाव दो प्लीज। रात की 1 बजे हो, खाते खाते हो, उठते बैठते एक ही चीज, प्रभु कुछ तो करो, प्रभु कुछ तो करो। और एकमात्र मांगनी नहीं की, पुरुषार्थ शुरू किया मैंने। मुझे नहीं याद कॉलेज लाइफ में मैंने कितनी सामयिक की होगी, पर संस्कार नीति महासाब के 6 मासे के टाइम एक नियम लिया था, दिन में 5 सामयिक कंपलसरी करना। वीरती के लिए जो
अहोभाव है उसे जगाना था। उस वेश की जो तड़प है उसे उत्पन्न करने के लिए कहीं ना कहीं शुरुआत की जरूरत थी। उसके साथ साथ दूसरा नियम लिया, जब तक भाव नहीं आएंगे तब तक प्रतिदिन क्षारित्र मौन के क्षोभशम के लिए 70 लोगस का कौशक एवं 70 खमाशना, 70 लोगस का कौशक खड़े खड़े, अगर बीच में बैठ जाए तो वापस करना पड़ेगा पर कोई एक्सक्यूज नहीं, और 70 खमाशना भी कंटिन्यूस, ऐसे नहीं कि थकान के कारण रुक जाए और फिर ब्रेक लेके करें। यह पुरुषार्थ करीबन 1 साल तक चला। टीवी देखने की सहज सी आदत थी, टीवी छोड़ना बहुत जरूरी था। जितने भी शुभ भाव है ना, एक ही सीन में पानी पानी हो जाते हैं। जितने भी अच्छे संकल्प है ना, वह एक ही क्षण में छूर छूर हो जाते हैं। पर जिसे 4-5 घंटे उस इडियट बॉक्स के सामने बैठने की आदत हो, उसे आप बोलो कि सहज टीवी बंद करना है तो मुश्किल होगा। और एक अभिग्रह लिया, टीवी देखने की छूट, जितनी मिनट्स की टीवी देखो उतने लोगस के कौशक और उतने खमाशना तुरंत टीवी देखने के बाद, ताकि भावों में परिवर्तन आ जाए। जो टीवी देखते देखते जो भाव आए उसमें ट्रांसफर हो जाए शुभ भावों में वापस। इससे क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट की टाइम कट हो गई। 10 मिनट एक्स्ट्रा कौन खड़ा रहेगा लोगस के कौशल गिनने के लिए, 10 एक्स्ट्रा खमाशना कौन देगा। सेकेंड चीज क्या हुआ, जो एपिसोड्स बहुत ड्रैग किए जाते थे, बहुत बोर करते थे, वो छोड़ना देख दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, रिकैप देखना चालू किया। 2 मिनट में पूरा एक दिन का एपिसोड पता चल जाता था, बस आगे का एपिसोड नहीं देखना। फोर्थ चीज क्या की, 3 दिन के पीछे के एपिसोड नहीं देखे, मंडे को सस्पेंस खुलता है, मंडे का एपिसोड देखने का, बाकी पूरा तो वो सस्पेंस ड्रैग करते, फिर वापस मंडे को ही सस्पेंस खुलता है, तो सिर्फ मंडे को वो एपिसोड देखना। ऐसे करते करते धीरे धीरे वह टीवी की आदत कम होने लगी। जब फिर लगा कि नहीं, कहीं कृपा बरस रही है, सत्व हो रहा है कि नहीं, कुछ कर सकते हैं, इस मार्ग पर चल सकते हैं, तब मैंने घर से परमिशन मांगी कि मुझे रहने जाना है। घर पे तो जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था, ऐसी कुछ हालत थी कि ऐसे लग रहा था सब मेरे ऊपर अभी टूट पड़ेंगे। बस संभवनाथ दादा से एक ही बात कह के गई थी, बात रखने की जिम्मेदारी मेरी, बात मनाने की जिम्मेदारी आपकी। मैंने प्रभु को एक ही चीज कहा था, मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, किसे बोलूंगी, सब आपको डिसाइड करना। आई विल जस्ट बी अ पपेट। पपेट क्या करता है, हाथ जैसा हिलता है वैसा हिलता है। मैं संभवना दादा की वो पपेट थी, परमिशन कैसे लेना, कैसे मनाना, क्या करना, सब वो करते थे। घर पे बात रखी, थोड़ा सा सहज है, हंगामा हुआ। फिर एक और निर्णय लिया था, जब डांटने लगे कोई इस बात को छेड़े, तब मन में मौन का पचकान ले लेना। आप अगर आक्रोश में आ जाओ तो बात बिगड़ जाती है। साइलेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना हो तो चुप हो जाओ। कोई डांटता था, कोई इमोशनली कुछ कहता था, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तुरंत धारणा अभिग्रम बचकाई नम सजा करना, वो सी रही वो सी राम, हो गया। जब तक वातावरण शांत नहीं होगा तब तक मौन। इससे क्या हुआ, किसी को ठेस नहीं पहुंची। वरना आप इच्छा प्रकट करते हो और आगे वाला अनुमति न दे, तो इच्छा में रुकावट होने के कारण आप क्रोधित हो जाते हो और आप रिएक्ट करने लगते हो। फिजिक्स में वाक्य है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसी बात आप जब करते हो ना, तो एक्शन बहुत भारी होती है, बहुत जोर से एक्शन होती है, जब उसके सामने फिर रिएक्शन भी इतना भारी ही होगा। और जैसा रिएक्शन बढ़ता है, वापस रिपीट एक्शन और धमाकेदार होती है। वो उस धमाके से बचने के लिए यह मौन का पचकान सहायक रूप था। जब परिवारजनों को लगा कि नहीं, अभी
बात नहीं बनने वाली है और सहज अनुमति देनी ही पड़ेगी। तब उन्होंने मुझे हमारे साहब के पास रहने भेजा। घाटकों पर 60 फीट दिनेश भवन का वह चौमासा पुछ शमनिका नायक श्री अभिषेकर सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्रा में था। उनके प्रत्येक प्रवचन में एक ही चीज, दोषों पे विजय कैसे प्राप्त करना। आत्मा में अशुभ संस्कार भरे हुए हैं, पर अशुभ संस्कारों से मुक्ति कैसे पाना, इस भव के किए हुए पापों की आलोचना कैसे कर सकते हैं, और इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं आश जगाई कि नहीं, आत्मा के यह दोष से छुटकारा पाना है। गुरुदेव के साहिब के वो जो प्रवचन होते थे इतने फैंटास्टिक होते थे कि सीधा लगता था यहाँ पे छुप रहे हैं वो, आपको कहीं ना कहीं चिंतन करने के लिए मजबूर करते थे कि यार क्या कर रहे हैं आप जिंदगी के साथ, क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सब कुछ लूटा जा रहा है और तो भी आप खड़े हो, आप डिफेंड नहीं कर रहे हो। और उन प्रवचनों के माध्यम से, उन प्रवचन के दौरान टीवी की आजीवन बाधा ले ली थी, फिर उसके बाद कई चीजों का त्याग शुरू हो गया था। आम्बिल तप शुरू हुआ, वर्धमान का पाया डालने का हुआ, नौपच्ची की ओली का प्रारंभ हुआ, इन सब आराधना से कहीं ना कहीं तपोबल से वैराग्य मजबूत होने लगा। तीसरा, बीज बोने के बाद वृष्टि करने का काम क्या, तो पूछिए गुरुजी पुण्य निधि श्री जी महाराज साहब ने, वात्सल्य मूर्ति, और कह सकते हो कि इतनी सहज है कि कैसे किसे संभाला, सब ध्यान में रखते हैं। जब सूरत से सूरत की तरफ विहार करना था, बॉम्बे से सूरत की तरफ, तब विहार की प्रैक्टिस के लिए अनुमति मिली थी, तो उनको बॉम्बे ज्वाइन करने का हुआ। गुरुजी ने कहा विहार की प्रैक्टिस बहुत होती रहेगी, आपको सूरत जाना है, आचार्य भगवंत की निश्रा में वाचना श्रेणी एवं स्वाध्याय चालू है, तो आपको वह पढ़ने जाना है। मैंने बोला कहाँ रहने का होगा, तो कि वहाँ साजी जी भगवंत है उनके पास रहना है। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती, पहली बात तो मैं सिर्फ आप लोगों से परिचित हूँ, आपके पास भी बहुत कम समय रहने का हुआ है, सडनली नए लोगों के पास जाना वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो भी गुरु जी की वो इच्छा थी, और 6 महीने में कर्मपैड़ी नाम का यह ग्रंथ है जिसमें कर्म की फिलॉसफी के बारे में बताया गया है, योग शतक, नय विंशिका, योग विंशिका, योग बिंदु, इन ग्रंथों पर जब वाचना चली और कर्मपैड़ी का 6 महीने का अध्ययन इस हद तक ऐसे किया था कि फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, लास्ट लाइन तक क्या शब्द है वो बिना बुक देखे बोलना, ऐसा स्वाध्याय करते करते कर्म की फिलॉसफी ऐसे लग रहा था अंदर घुट चुकी है, हर कार्य में लगता था यह करने से ऐसा अशुभ कर्म बंद होगा, यह करने से यह कर्म इस प्रकार हृदय में आएगा कि यह पीड़ा देगा, और वह चिंतन पाप से अटकाता था, वह पाप से दूर ले जाता था, मोह के बंधनों को तोड़ने में सहायक बनता था। मैं गुरुजी का खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे वो अवसर दिया, किसी और के यहाँ पे भेजकर यह विश्वास रखना कि नहीं यह लड़की जाकर पढ़ाई ही करेगी और कुछ नहीं करेगी, वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और मुझ पर वह विश्वास रखने के लिए मैं उनकी खूब खूब आभार रहूंगी।